कोई गुफकार अलाइनस कोई अलाइनस अगर 370 की बात करेंगे ना, वो देने वाले अलबत्ता वो लेने वालों में से थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, वो लेने वालों में थे। कार अलाइनस बनी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें पीडीपी है। उन्होंने लोगों से झूठ मूठ करके आज तक जो बातें वरगला के की है, 370 इनके हाथ में नहीं है, 370 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये मगरमच्छ के आंसू कब तक बहेंगे, लोगों को कब तक झूठ बोलेंगे, लोगों को कब तक दगा देंगे? लिहाजा गुफकार अलाइनस कोई भी अलाइनस हो, वो मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, उसने अपने मासा के लिए मुझे छोड़कर मासा को मिनिस्टर बनाया है और मुझे गिराया है। नहीं, वफा जितना हमने किया है, लेकिन वहां बेवफा लीडर मिले हैं हमें। हमने उन बेवफा लीडरों को बार बार बोला है कि आपकी पार्टी, आपके लोगों, आपके ही लोग हाईजैक कर रहे हैं, दो तीन लोग, उन दो तीन लोगों को साइड में रख दो, आपकी पार्टी बच जाएगी। लेकिन महतरमा, वो उन तीन लोगों को साइडलाइन करने में नाकाम रही है। हरासमेंट हो रही है नौजवानों के साथ, नौजवानों को अरेस्ट किया जाता है, नौजवानों को जेलों में बंद किया जाता है। उसके खिलाफ हम निकलेंगे नौजवानों के लिए। हाँ, अगर हमें सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा, हम निकलने के लिए तैयार है। हम मुल्क के प्रधानमंत्री, मुल्क के होम मिनिस्टर से पहले मिल लेंगे, उनके बारे में, नौजवानों के बारे में हम बात करेंगे। इस तरीके से अगर ये पकड़ दकड़ जारी रही तो हम सड़कों पर आएंगे। नहीं देखिए, अगर वो हमें रोड मैप दिखाए, वो कह दे कि हम लाएंगे वापस, अगर हमें वो तरीक़ेकार दिखाएगा वो किस तरीके से वापस लाएंगे, अगर उनके पास कोई तरीका है, मैं भी उनके साथ मिल लूँगा। मैं उनके गुफकार एलानस के साथ अकेला मैं खुद जाऊँगा, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन वो कोई रोड मैप दिखाइए। उन्होंने लोगों को झूठ बोला है आज तक। उनके पास इसी जो गुफकार एलाइनस बनी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें पीडीपी है। उन्होंने लोगों से झूठ मूठ करके आज तक जो बातें वरगला के की है, 370 इनके हाथ में नहीं है, 370 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिलों पर रहम फरमाइए और वो फैसला दे। यहाँ के अवाम के हक में वही एक रास्ता है। बाकी गुफकार एलाइनस कोई एलाइनस अगर 370 की बात करेंगे ना, देने वाले अलबत्ता वो लेने वालों में से थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, वो लेने वालों में थे, क्योंकि जब 370 की बात हुई है पार्लियामेंट में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तीन पार्लियामेंट मेंबर थे। तो होम मिनिस्टर ने खुलकर बताया है कि जम्मू कश्मीर से एक रिटायर्ड जज आया है, तो मैंने सुना है कि ये मुझे मतलब कानून के दायरे में रहकर कोई बात करें, लेकिन इसने तो सिर्फ दांत दिखाई, उसने कोई बात नहीं की है पार्लियामेंट में। वो चुपचाप के खामोश होकर सुनते रहा, लेकिन खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ये नहीं बोला कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, ये नहीं बोला कि 370 अगर आप इस तरह एब्रिगेट कर रहे हैं तो हम पार्टी को छोड़ेंगे, हम इससे पहले एक बात भी उन्होंने नहीं कही है। अब ये मगरमच्छ के आंसू कब तक बहेंगे, लोगों को कब तक झूठ बोलेंगे, लोगों को कब तक दगा देंगे? लिहाजा गुफकार अलाइनस कोई भी अलाइनस हो, बीच में मैं आपको बात बता दूंगा, एक बड़े कदावर लीडर ने बोला है कि मैं 370 के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे भी कदावर लीडर कोई रोड मैप दिखाइए। वफा जितना हमने किया है, लेकिन वहाँ बेवफा लीडर मिले हैं हमें। हमने उन बेवफा लीडरों को बार बार बोला है कि आपकी पार्टी, आपके लोगों, आपके ही लोग हाईजैक कर रहे हैं, दो तीन लोग, उन दो तीन लोगों को साइड में रख दो, आपकी पार्टी बच जाएगी। लेकिन महतरमा, वो उन तीन लोगों को साइडलाइन करने में नाकाम रही है, तो तब उनको लगा है कि ये हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पार्टी से निकाला है। हमने अगर वफा और बेवफा की बात करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बेवफाई यहाँ से हुई है। मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कयादत में मिनिस्टर रहा, और जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, उसने अपने मासा के लिए मुझे छोड़कर मासा को मिनिस्टर बनाया है और मुझे गिराया है। क्यों मुजीद साहब चुप रहे इतने साल? मैंने चुप नहीं रहा, मैंने उसी समय उसके साथ बात की है। मैंने उसको बोला कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे बताओ कि मेरी परफॉर्मेंस कहीं वीक रही है, कहीं मेरी रिश्वत में कोई नाम मेरा आया है, आपने क्यों मुझे छोड़ा? बोला कि नहीं, आपको नहीं हम छोड़ रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं, आपको बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये 2-1.5 साल मुझे सिर्फ यही बोला कि हम आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, जब तक उनकी कुर्सी खुद खिसक गई है। आपका सवाल उतना मजबूत है जितना गुफकार एलाइनस मजबूत है।
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, सुनिए मेरी, मेरी ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं आपकी, तो मैं तो हंस रहा हूँ इसलिए कि आपके सवाल पर, ये जो आपने कहा कि आल पार्टी मीटिंग, आल पार्टी मीटिंग किसी ऑफिसर को मिस्टेक हुई है, गलती हुई है कि जिसने कहा कि हम 50 लाख या 50,000 वोट यहाँ CRPF आर्मी पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान वालों से वो हम दर्ज कर रहे हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ आपसे, तो हमने क्लियर वेरिफिकेशन वहाँ से दिल्ली वालों से करवाया है, अपनी पार्टी ने, अपनी पार्टी ने क्लियर वेरिफिकेशन करवाया है, उस ऑफिसर से कहलवाया है कि हमसे गलती हुई है, ये बात नहीं है, क्योंकि 4-5 सालों में यहाँ एंट्री नहीं हुई है, वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये बीएलओज जो हर एक गांव में 3-3, 4-4 बीएलओज होते हैं, वो किस लिए होते हैं? बीएलओज इसलिए होते हैं कि जो 18 साल का हो जाएगा उसका वोट वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा, और उसको बाज़ाब्ता तौर सनद होनी चाहिए, उसको बाज़ाब्ता तौर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब वो वोटर लिस्ट में शाया होते हैं। मेरे भाई, जब दिल्ली वालों ने, जब उस ऑफिसर ने उसकी क्लियर वेरिफिकेशन दी है, तो ये फिर ये मतलब आल पार्टी मीटिंग की क्या जवाबियत थी, फिर आल पार्टी मीटिंग की क्या जवाबियत थी? उससे पहले ही जब उन्होंने क्लियर वेरिफिकेशन दिया है, क्लीन चिट दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर वो मीटिंग करने का क्या फन था? मेरी बात सुनिए, बाकी पार्टी में ये दम नहीं था कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलें, उनके पास उनको डर है, उनको खौफ है, वो बात नहीं कर पाते हैं, अपनी पार्टी के अंदर दम है, अपनी पार्टी अपने टांगों पर है, इसलिए हम झूठ बोलते, सच बोलते हैं, हम उनकी तरफ झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, हमने सच बोला है, डे फर्स्ट से हमने, हमारे प्रेसिडेंट ने सच बोला है, और हमारी कोशिश रहेगी सच बोलने की। बीजेपी को अपना एजेंडा है, हमें बीजेपी की तरफ कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो अपना अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, हम जो बात कर रहे हैं अपनी पार्टी के नाम पर, तो हमारा क्लियर इसमें यह है कि स्टेटहुड के बारे में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रेसिडेंट ने कल दिए, स्टेटहुड के बारे में, यहाँ के ज़मीन के बारे में, यहाँ के नौकरियों के बारे में, वो तो हमने क्लियर कर दिया है, वो हमने मतलब प्राइम मिनिस्टर से हमारी बात हुई है, हमारी पार्टी की होम मिनिस्टर से हमारी बात हुई है, तो लिहाजा वो चीज़ें क्लियर कर दिया हमें, हम झूठ नहीं बोलते।